जब भी मैं दीदी को बोलती हूँ कि दीदी मेरे साथ आना है, तो दीदी जरूर आती है। इतना कोई अपना भी नहीं करता है मेरे लिए जितना दीदी करती है। दीदी मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर है। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ, जरूरी नहीं है, अलग पहचान बनाई है। तो इसके लिए तो भूली को पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में बना रखा है पराठे, छोले, दही, चटनी। तो अभी यहाँ पे बैठ रखी है आसमा, और आसमा का हो रहा है नाश्ता। तो आसमा कैसा हो रहा? बहुत टेस्टी, सब पता। इसमें क्या है? इसमें दीदी ने मेरे को अमरूद दे रखे हैं। थैंक यू दीदी अमरूद देने के लिए। थैंक यू कोई बात। मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आरती रावत, और मैं आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 5 बजे से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आज 5 बजे से क्यों कर रही हूँ आज की वीडियो की शुरुआत। तो आपने जैसे कि मेरी पहली वाली वीडियो में देखा होगा कि मैं और आसमा बहन रिकॉर्डिंग के लिए गए थे श्रीकोट। तो वहाँ पे आसमा बहन की हुई थी बहुत ही अच्छे खुदेड़ गीत की रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग करने के बाद श्रीकोट सिरोबगढ़ में लगा हुआ था बहुत ही बड़ा जाम। तो हम जाम में फंस गए थे और बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी हमारे को, वहीं अंधेरा हो गया था। तो आसमा बहन का घर है सीधा यहाँ से केदार घाटी में, तो मेरा घर है रुद्रप्रयाग के नज़दीकी तिलवाड़ा में। तो आसमा बहन घर तो जा नहीं सकती थी, रात हो गई थी, तो आसमा बहन मेरे घर पे रुकी हुई थी, और तो मेरे घर पे है। तो इसीलिए मैं आज सुबह इतनी जल्दी अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ, कर रही हूँ। तो आपको भी मिलाती हूँ अपनी छोटी बहन आसमा नेगी से। हेलो, गुड मॉर्निंग। बर्मन ऐसा हो रखा है, तो आप सभी लोगों को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग पढ़ना। कल बाल स्ट्रेट किए थे, आज फिर से ऐसे ही हो गए ऐसे। तो रिकॉर्डिंग भी हो गई। हाँ, और रिकॉर्डिंग भी हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि दीदी ना हमेशा मेरा सपोर्ट करती हैं, और मैं भी जितना भी मेरे से हो पाएगा आगे भी, मैं भी दीदी के लिए जो हो पाएगा वो करूँगी। और हमेशा मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही साथ रहें, और आपका प्यार और आपका साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहे। और हम दोनों साथ में, जब भी मैं दीदी को बोलती हूँ कि दीदी मेरे साथ आना है, तो दीदी ज़रूर आती है। इतना कोई अपना भी नहीं करता है मेरे लिए जितना दीदी करती है। दीदी मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ, ज़रूरी नहीं है कि हमारा खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। कभी कभी ना दिल के रिश्ते भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जो मेरा दीदी के साथ है वो बिल्कुल करीबी दिल से है रिश्ता, और हमेशा बना रहेगा। मैं यही भगवान से उम्मीद करती हूँ कि भगवान हमारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे, बहनों की तरह और सगी बहनों जैसा, और आगे भी हम ऐसे ही मिलजुल कर काम करते रहेंगे। दीदी को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगी, और मेरी मुझको अगर दीदी की ज़रूरत होगी तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुँह पे कुछ और बोलो, पीठ पीछे कुछ और करो, जो दिल में है वही जुबा पे लाओ। बस यही हमेशा इंसान में होना चाहिए कि जो दिल में है वही जुबा पे है, और जो जुबा पे लाओ वही दिल में करो। बस मैं अपने YouTube फैमिली के सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी छोटी बहन है केदार घाटी की लोकप्रिय युवा गायिका, जिसे मैं लोकप्रिय युवा गायिका के नाम से, जिसको केदार घाटी में जाना जाता है, बहुत ही कम समय में गीत संगीत के क्षेत्र में इसने बहुत ही अच्छी अपनी अलग पहचान बनाई है। तो इसके लिए तो भूली को पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि आपने मेरी छोटी बहन आसमा को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। अभी बहन ने अपने चैनल पर एक ही गाना डाला है, रविवार। रविवार गीत की अपार सफलता के बाद दूसरा गाना, और अभी वाला जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला सॉन्ग है, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ों पर बनाया है। तो इसमें ना दीदी ने मेरा सपोर्ट किया है। मतलब जो गाना मैं बना, इस बार जो गाना लाई हूँ वो उसकी राय मुझे दीदी ने दिया है कि मतलब इस तरह का सॉन्ग तुझे निकालना चाहिए, और लिखा भी है दीदी ने। और मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम दोनों बहनों ने लिखा है इसको, कुछ मैंने लिखा है, आइडिया दिया है, कुछ गाना मैंने लिखा है, दिया बाकी तो मेरी बहन के साथ में, भगवान करे ऐसा किसी के साथ में ना हो।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसके गीतों को सुनकर आंसू आ जाते हैं, मन भाव विहूर हो जाता है। तो उसकी लाइफ में जो घटना हुई है उस आधारित पर उसने गाया है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलने वाला है और मेरी बहन को बहुत ही अच्छे उस तक आपने पहुँचाना है, ऊंचाइयों तक आपने पहुँचाना है। इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद सबसे पहले है, हम लोग तो बाद में हैं। और इतना आशीर्वाद दो दीदी को कि मतलब लोगों के लिए तो हमेशा देती रहती हैं गाना, और बहुत से गाने लोगों के लिए गा भी लिए हैं, पर कभी कभी इतना सपोर्ट करो ना दीदी को कि खुद अपने चैनल पे भी दीदी जल्दी एक सॉन्ग लेके आए, है ना, क्योंकि इसके लिए आप हो सकता है हम दोनों बहन, अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा हाँ। तो हो सकता है मेरे चैनल के लिए भी हम दोनों बहनें साथ में गाएं। पर जो ये अभी वाला गाना गाया है तो इसका तो बेसब्री से इंतजार रहेगा हाँ। क्योंकि ये गाना कुछ ऐसा है सबके दिल को छू जाएगा, ऐसा गाना गाया है। और आपको तो पता है कि जो गाने दीदी लिखती हैं तो वो तो एकदम से दिल को छू जाते हैं, है कि नहीं। जितने भी अभी तक दीदी ने गाने गाए हैं बहुत ही अच्छे गाए हैं और बहुत ही आप लोगों ने उनको पसंद भी किए हैं, तो उम्मीद है कि इस गीत को भी आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बहन की इतनी प्यारी आवाज़ है तो गीत देने में तो मुझे ऐसा होता है तो सारे गीत दे दूँ सच में प्यारी तो कर रही हूँ। तो अभी 7:30 का टाइम हो चुका है और दीदी की वीडियो अभी मैं बना रही हूँ। तो अभी हम नाश्ता बना लिया है हमने, और नाश्ते में हमने क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने नहीं, दीदी ने तो नाश्ते में बना रखा है पराठे, छोले, दही, चटनी और चाय, और ये सब बनाया है दीदी ने। तो दीदी ने इतना सब कुछ बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज आसमान ने भी मेरी मदद की है, पहले थोड़ा सा पराठे सेकने में, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, और चूल्हे पे बनाए हैं हम तो बहुत हाँ, और आग वाले चूल्हे पे बना रखे हैं तो बहुत टेस्टी होंगे, वो भी घी में बना रखे हैं। तो पहले तो हम एक बार नाश्ता कर लेते हैं। चक्की दिखाओ यार तुम। हाँ चक्की देखो कैसा हो रहा है, तुम चक्की मैं चक्की देखूँ एक बार, आपके मुँह में भी पानी आ जाएगा। लाजवाब, कोई शब्द नहीं है तारीफ के लिए, बहुत अच्छी बना रखी है। चटनी तो बहुत ही अच्छी हो रही है, मैंने तो कल रात में भी 2 रोटी खाई चटनी में, और अभी भी मैं मुझे लगता है 2 पराठे तो मैं खाई लूंगी सच में, है ना। हाँ तो ठीक, बहुत बड़ा पेट है मेरा, इतना बड़ा तो नहीं था पर कल खाया है तो मुझे भी खुशी हुई है यार। चलो चटनी अब जब आएगी मैं चटनी ठीक है। तो अभी हम दोस्तों नाश्ता करते हैं तो आप भी आओ दोस्तों नाश्ता करने के लिए, तो खूबसूरत आनंद लेते हैं। और आसमा के लिए चाय बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब आधा लीटर चाहिए, पर कोई नहीं और बची हुई है, मैंने बना रखी है। ठीक है आपके लिए कहा है दही, मैं दही नहीं खा रही। तो चलिए दोस्तों अभी दही मानी जाती है ना सुबह सुबह वैसे। तो अभी यहाँ पे बैठ रखी है आसमा, और आसमा का हो रहा है नाश्ता। तो आसमा कैसा हो रहा? बहुत टेस्टी। सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? सबसे अच्छा मुझे हो रहा है ना चटनी बहुत टेस्टी हो रही है, आप भी खा लो चटनी। तो आसमा को मेरे हाथ की चटनी वाल बहुत अच्छी लगी, अब जब भी आएगी मैं आसमा के लिए चटनी जरूर बनाऊंगी। तो एक पराठा ये है, एक और खाएगी है ना हाँ। और चाय का गिलास तो इसको बहुत फुल चाहिए, मेरे को फुल चाय चाहिए, चाय रोटी में तो चाहिए ही चाहिए, साथ में दही साथ में छोले। आज यही रुकती तो बहुत मजा आने वाला था, पर क्या करें, पर आपको पता है ना आजकल काम का टाइम है तो नहीं रुक सकती, है ना। वो भी है, और बहुत समझदार हूँ ना, समझदार हूँ हाँ। पर मेरे से ज्यादा तो है। तो अभी सफर में आगे बढ़ते हुए हम भी पहुँच गए हैं तिलवाड़ा मार्केट में, मार्केट के बहुत नजदीक। तो अभी हम सीढ़ियों से चल रहे हैं, मैं इतना नाश्ता किया कि इन सीढ़ियों पे जाना भारी पड़ रहा है। तो रे अब आसमा, अरे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मंडी आना है, क्यों हटाना है बोले अब इसे, अरे कर जाऊंगी और देखती हूँ अगस्त मुनि तक कोशिश करती हूँ, ठीक है। इसका मन भी रखना ही है, तो वहाँ से इसको गाड़ी में बिठाती हूँ और फिर मैं वापस आऊँगी। तो आज का सफर है हमारा दोनों का अगस्त मुनि तक, यार झूठ क्यों बोलना है। तो फाइनली अभी तिलवाड़ा मार्केट में पहुँच चुके हैं, और अभी हम जाएंगे थोड़ा आगे। ये है तिलवाड़ा मार्केट का खूबसूरत नज़ारा, जो कि आप लोग कई बार देखते हैं मेरी वीडियो में, तिलवाड़ा बाजार।
तो मैंने बहुत बार आपको तिलवाड़ा बाजार का खूबसूरत नज़ारा दिखाया है, पर इस बार आपको मेरी वीडियो में आसमान बैंड नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है क्योंकि ना मेरे को खांसी हो रही है। अभी आप लोग देख रहे होंगे हम हैं तिलवाड़ा बाजार में और मेरे पीछे है केदारनाथ ब्लॉगर आसमान नेगी। कटोरी का थैला लेके जा रही हूँ मैं बीच बाजार में कांधे में ऐसे, तो इसने ना मैंने इसको बोला था मैं ले जाती हूँ, इसने मना किया, बोला दीदी मैं छोटी हूँ, हम ये काम भी करते हैं, हमको कोई शर्म नहीं, ले जाऊंगी बल कंधे में थैला। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, ये बड़ों का सम्मान करती है। वह मैंने इसको बोल दिया था तू मेरे यहाँ आ रखी है मैं ले जाऊंगी यार, जब मैं तेरे को छोड़ने आ रखी हूँ, तो इसने मेरे पास थैला पकड़ाया और वो जब मैं ये थैला ले ही जा रही हूँ तो पता है इसमें क्या है, इसमें दीदी ने मेरे को अमरूद दे रखे हैं। थैंक यू दीदी अमरूद देने के लिए। थैंक यू, कोई बात नहीं यार, छह छाता दे तो देने। आप लोगों को पता ही होगा कल आसमा मेरे घर पे आई थी और सुबह उठ गई थी 4 बजे और अभी ये निर्मोही तो नहीं रुकी मेरे घर पे, पर मेरा फर्ज बनता है, बड़ी बहन हूँ तो इसको छोड़ने जा रही हूँ आज कहाँ तक उसकी मठ तक आ रही है दीदी आज के साथ, पर इसको बोलने की बात सच में नहीं हो सकती है, झूठ हो सकती है, तो मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ फाइनली अगस्त मुनि तक। मैंने चैलेंज रखा दीदी के लिए कि अगर आप आज उसकी मठ नहीं आई तो मैं भी नहीं आऊँगी कभी भी यहाँ पे, तो इसलिए दीदी को आना पड़ा मेरे साथ, तो मैं इसी में जाऊँगी। तो बाकी ना तो आए आसमा की भी ठीक है, मैं चलती हूँ, आसमा भी यहाँ से घर जा रही है, गाड़ी भी बाय बाय बाय, ठीक है गाड़ी ज्यादा नहीं रोकी है तो मेरे को लेट हो रहा है, बाय बाय ठीक है, ख्याल रखना अपना, यहीं तक जल्दी मिलेंगे। हम दोनों का मैंने झूठ बोला कि दीदी उसकी मटाई ठीक है, तो अब आसमा भी चले गई है गाड़ी में और गाड़ी जाएगी डायरेक्ट उखीमठ मनसुना। तो अभी मैं हूँ अगस्त मुनि के खूबसूरत मार्केट में, तो जैसे कि मैंने एक पहली वाली वीडियो में भी दिखाया था आपको अगस्त मुनि का मार्केट, और फिर से आ गई हूँ मैं आज अगस्त मुनि। तो आज फिलहाल तो मैं आसमा को छोड़ने के लिए भी आई थी और थोड़ा बहुत अपना काम भी था, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा यात्रियों की गाड़ी की भीड़ लगी हुई है और जाम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि पहला जाम सिरोबगढ़ में लग रहा है और दूसरा जाम लग रहा है कुंड में, तो यात्री लोग कृपया सुबह ही जल्दी निकलें और 12 बजे के बाद यानी 12 बजे से तो कुंड में बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा है। तो अभी फिलहाल अगस्त मुनि में भी आप लोग देख रहे होंगे, फिलहाल मुझे मेरा भाई भी दिख गया है, भाई है ऊपर की साइड दुकान पे, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ और भाई से भी मिलती हूँ। यहाँ पे है मेरा भाई, हेलो ब्रो, तो भाई आ चुका है बाजार और भाई यहाँ पे कटिंग की है, स्पेशली कटिंग की है, तो दुकान का नाम तो बोल, तो सोनू हेयर सैलून अगस्त मुनि विजय नगर पे है, तो बहुत ही अच्छी कटिंग करते हैं, यानी कि मेरे भाई की पसंद थी, भाई रोज यहीं पे आते हैं, तो चलो तब फिलहाल भाई जाएगा यहाँ से थोड़ा आगे, तो वहाँ से आएगा काम निपटा के, उसके बाद फिर मुझे मिलने आएगा, तब फिर जाएगा घर आराम से। आजकल बहुत ही ज़्यादा भीड़ है ना गाड़ियों की, तो भाई जा रहा है उधर की ओर, तो अभी आएगा। भाई ने भी मुझे बिठा दिया है तिलवाड़ा की गाड़ी में और मेरा भाई भी चला गया है घर, तो ठीक है दोस्तों मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तो जय देवभूमि उत्तराखंड। आओ बेटा।